मैं सतनाम सिंह, मैं अपने माँ प्यो की बेइज्जती ना सहंदे हुए मेरे माँ प्यो की मेरी वाइफ रमनजोत कौर वालों उन्होंने रिश्तेदारों वालों बहुत बेइज्जती की जा रही है जो कि मैं नहीं सह सकता, इस करके मैं जहर खाण जा रहा। लव मैरिज तो 4 महीनों बाद ही बीए कर रहे विद्यार्थी ने घर विच जहरीला पदार्थ खा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मरण तो पहले मृतक नौजवान ने अपने मोबाइल फोन दे विच एक वीडियो बनाई और अपनी पत्नी समेत अपने सहुरे परिवार के 6 मैंबरों को अपनी मौत का जिम्मेवार ठहराया। नौजवान की मौत तो बाद परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल सी। उधर मृतक सतनाम के पिता ने दसिया कि लगभग 4 महीने पहला वड्डे बेटे सतनाम की मुहल्ले की रहन वाली रमनजोत कौर नाल लव मैरिज हुई सी। बेटा अजे कोई काम नहीं करता सी अते नगर निगम विच नौकरी लगन दे फार्म भरे सन। व्याह तो बाद ही बेटे नू सौरे धिर दे लोक परेशान करन लगे। इस गल दा जिक्र वीडियो विच भी कीता गया। वीडियो विच सौरे धिर दे लोकां ते उसदी भैण अते मां ते झूठे केस विच फसाउण दी गल भी कही जा रही है अते उसते उक्त दोषियां वल्लों परिवार तों प्रॉपर्टी दा हिस्सा लैके वखरा रहण दा दबाव बनाया जा रहा है। इसे गल तों तंग आ के उसने इह कदम चुकिया। जिन्हों जिदा सहुरे परिवार के विचों दोवें ताए तो उहदा चाचा सहुरा तो दोवें ताया के लड़के उन्हूं परेशान करते रहिंदे सी ते धमकियां देंदे रहिंदे सी भी तैनूं मार देंगे नहीं तो अपने परिवार तो तू जायदाद का हिस्सा लैके तो अलग हो कोशिश कर। इस करके वो डरिया सहमिया रहिंदा सी ते दसदा कुछ नहीं सी सानूं। उसने अपने मामे को भी गया ही तो वह मामा कहता भी कोई ना आप कल बह के तो उन्होंने गल करते हैं भी क्यों इदा करते जो तो उस दे कारण जो गया उ मेवा सिंह को फिर आ गया घर साढ़े को आ के उसने गल नहीं की भी मैनू धमकया जाता तो उन्होंने राह रोकन की वो कोशिश करते तो सहमया रहा ही उन्होंने पूछीदा ही तो कहें कोई गल नहीं कोई गल नहीं जवाब सवाल करता इन्हें मैं आन के बैक फोलिया डब्बी निकली घर वाली बहुत लड़ती सी एदी बहुत ज़्यादा तंग करती सी एदा ताया भी मैं अपने मामे घर जाके दसिया मेरे मामा जी ने उन्होंने बुलाया मेरे मामा जी के घर मेरे बेटे नूं धमकियां दित्तियां गईयां कहिंदा मैं अगे भी जेलां कट्टियां हुण भी जेल कट लूं तैनूं मार के। उधर अपने ते लगे सारे दोषां नूं नकारदिआं मृतक दी पत्नी ने कहा कि शाम लगभग 6:30 बजे उसके पति घर आए से जिस तों कुछ समय बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी जिसनों हस्पताल ले जाया गया जिथे राती लगभग 12:30 बजे उसकी मौत हो गई। वीडियो बारे गलबात करदिआं मृतक की पत्नी रमनजोत कौर ने दसिया कि उसनों इसकी कोई भी जानकारी नहीं सी अते ना ही उस कोल मृतक दे फोन का पासवर्ड सी। उन्हें कहा कि उस वालों वीडियो अपनी भैन नूं भेजी गई सी। सर इदां दी कोई गल नहीं हुई सर मेरे सारे परिवार सर साड़ी हुई है लव मैरिज सर इस करके मेरे पेरेंट्स ने चलो मान के रीति रिवाज ना साड़ा व्याह किया सर। उस तो बाद थोड़े दिन मैं इत्थे रही हाँ सर पिछले महीने तो साड़ा बहुत क्लेश चल रहा बहुत ज़्यादा सर पिछले महीने मैं भी ये स्टैप चक्या सी सर बट कुछ नहीं बनिया इस करके सर ये मैनू कहंदे ने कि मैं दाज नहीं लैके मैनू दाज करके बहुत तसीहे दिते जांदे ने सर। मेरे पेरेंट्स सर ऑटो चलाउंदे ने मेरे पापा मेरे असी 3 सिस्टर्स हाँ सर इस करके सर मैनू कहंदे सी अपनी प्रॉपर्टी चो हिस्सा लैके सर असी इदां नहीं कर सकते। सर मैं ये क्या सर मैं ये क्या जो मैनू इदा तंग किया जाता से सर मैं ये क्या कि आप वक्रे हो जाइए सर इस वक्रे होने का उन्होंने भी प्लैन से बट वो मुकर गए सर लास्ट से आके बस इन्नी गल हुई सर। कल जो करके आए मैनू नहीं पता सर की करके आए बाहरों करके घर आन के इन्होंने सिर्फ मैनू ये गल जरूर कही सी कि मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा तो तू मेरे कोल बैठी रहा तू हिली ना इतों सर। मैं किन्नी देर इन्हों का सिर भी कुटा मैं कुटिया मैं नींबू भी चटाया मैं वॉमिट्स भी कराइया उस बाद सर इन्होंने एको दम सर सट तो उस बाद सर नहीं सर उन्होंने हर कितने सर उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लगे उन्होंने कदम मैं अपना फोन चैक कर नहीं सर। रात मेरे द्योर ने भी मेरे ते कृपान चला सर सोचा सर उन्हें मैनू शरेआम बार
मेरे लिए कृपान चला बारे सोचा मैं भज के इन्हों के अंदर हो गई सर वह कहता सी कि मैं वड देना अपनी भरजाई में उधर इस मामले से चौंकी आत्म नगर के इंचार्ज ASI सुखदीप सिंह मुताबिक परिवार वालों पुलिस को दिए गए बयान के आधार पर मृतक नौजवान की वीडियो के आधार पर पत्नी रमनजोत कौर और सहुरा परिवार के 6 मैंबर खिलाफ खुदकुशी लिए मजबूर करने के दोष च परचा दर्ज कर लिया गया तो पुलिस वालों फरार मुलजमान की भाल में लगातार छापेमारी की जा रही है। कल शाम 8:30 गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल तो एक रुका वसूल होया सी कि सतनाम सिंह ने पुत्र जोगा सिंह ने कोई पॉइजन ले लिया जिस संबंधी IO भेजो जिस संबंधी उत्थे गए सी GTP हॉस्पिटल तो उत्थे डॉक्टर साहब तो राय ली बयान देने ली डॉक्टर साहब ने पेशेंट नूं बयान देने ली अनफिट लिखा जो मॉर्निंग पता लगा कि अद्धी रात करीब 12 बजे 12:30 बजे उस लड़के की डैथ हो गई है। डैथ तो बाद उसके परिवारक मैंबर वालों एक वीडियो क्लिप पेश की गई है तो जिस दे आधार पर बनती कानूनी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ की जा रही है। देखो इस संबंधी अजे कुछ नहीं कहा जा सकता कोई साढ़े को ना तो लड़की वालों कोई कंप्लेट है जहाँ पहल की आई हुई है ना लड़की के परिवार वालों कोई इदा की कंप्लेट आई है। इस बारे अजे कुछ नहीं कहा जा सकता पड़ताल तो बाद ही पता लगेगा भी ये वायरल किदा हुई है। लुधियाना तो PBC न्यूज़ ले अजय पावा की रिपोर्ट।